भारतीय किसान यूनियन की राजधानी सिसौली में होने वाली मासिक पंचायत इस बार आज ऊन कस्बे में हुई। पंचायत में किसानों और ट्रैक्टरों की संख्या को काफी कम देखते हुए भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत समेत सभी वक्ताओं का फोकस संगठन की मजबूती पर रहा। राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा के किसानों ने गन्ने का मूल्य 400 से ऊपर निर्धारित कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई गन्ना मूल्य तय नहीं किया। किसानों की बिकती जमीनों पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए प्रत्येक गांव में 25-25 ट्रैक्टरों की सूची वाले सदस्यों को जोड़ने की बात कही, ताकि आगे का आंदोलन मजबूत किया जा सके। उन्होंने शामली जिले में 3 अध्यक्ष होते हुए भी उन्हें बेसर बताया। उन्होंने किसानों से विवाह शादी जन्मदिन मृत्यु भोज आदि में फिजूल खर्ची करने रोकने को कहा। इससे पहले चौधरी राकेश टिकैत ने ऊन में तहसील के पास भारतीय किसान यूनियन कार्यालय का भी फीता काट कर उद्घाटन किया और ऊन में पहुंचने पर जितेंद्र चौधरी, युवा जिलाध्यक्ष आशीष चौधरी, हरेंद्र प्रधान आदि किसानों ने राकेश टिकैत का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रण सिंगे की आवाज भी गूंजती रही। कहाँ जाओगे भाई, कर्जा लेने के साथ इतने पैसे हो गए के शादियों को चार्ट पेड़ रही नहीं, कितने आदमी आ रहे कहाँ गए, ऐसा ही किसी के मर जाओ कोई उसमें भी कंपटीशन होगा, मौत में भी उसमें भी 10-10 फोन कर रहे नहीं चलो चलो रबड़ी से आंदोलन को करो, जितने भी पदाधिकारी है इनकी सबकी लिस्ट बनाकर भाई जिसके भी ग्रुप से जो भी है उनको सबको ट्रैक्टर कर लू और एक ट्रैक्टर कर लू 25 सक्रिय मेंबर बनाएगा, अपने मेंबर बनाएगा और जितने भी और पदाधिकारी है 25 मेंबर जरूर बना लो अपने गाँव से, और जिसके गांव में भी 25 आदमी नहीं है तो क्यों खाम खा हमें को भी धोखा देना भाई, अपने मेंबर गांव से बन गाओ जो से गाँव का है वहां से 25 मेंबर अपने बना के आओ उसकी लिस्ट, ये नहीं कम है फिर एक कैसे हो जाओगे, देखो महीने में एक पंचायत होती है कम से कम इसमें तो इनका सम्मान करो जो अपनी कुर्बानी भी देने को तैयार है। उतना दूर से आए हैं तो देख रहे थे कि महिलाओं का ही नहीं है, महिलाएं मगर इतना नहीं गरीब को बराबर आना चाहिए ना, वो लोग भी तो ऐसे काम करते हैं, दोनों को लोग कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, ऐसे कोठे को बाहर चलना में महिला भी आधा होना चाहिए। ये भंग कर दिया था फिर ये बाहर हो गया तो उसका रिजल्ट है, ये पुराने आदमी है उन्हें सबको जोड़ के चलो, सरकार बड़ी खतरनाक आ रही, मतलब हरियाणा में अगले साल का भी रेट तय हो गया, हरियाणा में यहाँ पे इस साल का नहीं है हरियाणा ने कह दिया। नहीं कल मुझे 2027 में कल चलो सर सबसे पहले चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। अभी आपके जो आंदोलन हुए भारतीय किसान यूनियन में जो गन्ने के भुगतान को लेकर हुए, बताया जा रहा है कि इसमें गन्ने का भुगतान अब ठीक हो चुका है, इससे किसान संतुष्ट कोई ठीक नहीं है, संतुष्ट तो ये है कि भाई भागते भूत की लंगोटी जो कुछ मिलेगा ठीक है उसे ही पकड़ लो,
गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में भुगतान हो, और हमने कहा है कि प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है इंडिया के, ठीक है, प्रधानमंत्री का है, हमको डिजिटल भुगतान चाहिए। इस पे राजी हुआ मिल? राजी नहीं होगा तो आंदोलन से राज्य होगा, आंदोलन बिल्कुल। हमको डिजिटल भुगतान, डिजिटल भुगतान जब तक नहीं होगा ये आंदोलन जारी रहेगा। अगला आंदोलन जो होगा वो डिजिटल भुगतान का होगा। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, हमको भी सहयोग। आज संख्या देखना कम मिली? हाँ कम थी संख्या, कुछ आपसे वापसी, आपसे आपसे भी वो है, जिलाध्यक्ष नहीं आए, दूसरे और लोग नहीं आए जिनको आना चाहिए था। आपसे भी कम, एक तो 17 तारीख की मीटिंग अब नहीं होगी, और अब छोटे स्तर पे मीटिंग होगी, गांव में जाना पड़ेगा हमको, छोटी मीटिंग, पुलहुक्का मीटिंग करनी पड़ेगी जी। पुलहुक्का मीटिंग जानते हो? संगठन को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए पुलहुक्का मीटिंग करनी पड़ेगी। पुलहुक्का पंजाबी शब्द? हाँ पंजाबी शब्द नहीं, इसका अर्थ भी ज्यादा, इसका अर्थ है पल और हुक्का, पल हुक्के की मीटिंग करनी पड़ेगी छोटी। ये ताम झाम बंद करने पड़ेंगे, गांव का पल और गांव का हुक्का, और 11 और 21 आदमी की मीटिंग। अभी फिजूल खर्चे को लेकर के आपने, बिल्कुल फिजूल खर्चा, जो भी केक काट शादी का और किसी जो भी केक काट कर फोटो डाल लगा, जेक में जन्मदिन के फोटो डाल लगा, एक ही झंडे गांव में बंटा का किसान या राष्ट्रीय झंडा बंटो या किसान कुल मिलाकर संगठन खर्चा कम बनाए, बिल्कुल सबसे पहले खर्चे कम, खर्चों में कटौती, शादी ब्याह में उसमें फजूल खर्चे कम करने पड़ेंगे। गन्ने के भाव को लेकर के क्या कुछ अभी किसान और मिल के बीच तय हुआ? कोई अभी तय नहीं है, सरकार बढ़ाने को तैयार नहीं है अभी, इस पे भी आंदोलन होंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई दिसंबर में इसमें बढ़ जाए क्योंकि इलेक्शन है, लेकिन इस पे मूवमेंट जरूर चले। ठीक है सर, धन्यवाद जी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी आज यहाँ ऊन में, जो सिसुल्ली में पंचायत होती थी, जो मासिक पंचायत होती थी, वो आज कस्बा ऊन में हुई है। और इसमें हालांकि अभी चौधरी साहब से जो बात हुई है, थोड़ी जो संख्या को लेकर के जो टारगेट था, सभी वक्ताओं ने इस चीज़ को भी प्रमुखता के साथ कहा, कहीं ना कहीं वो एक परिवार के अंदरूनी कोई बात हो सकती है, अदरवाइज जो हमारा मुख्य विषय नहीं है, मगर कुल मिलाकर के संगठन को मजबूत बनाने की बात यहाँ पर आज पंचायत में प्रमुखता से उठी है। कैमरा पर्सन सन्नी के साथ सलेक्शन वर्मा, भारत 24, शामली।